press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पर। तो आज हम आपके लिए बहुत ही दमदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहुत ही बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजी लाई खान जी, और ये दोनों बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी, और एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम डिबेटेबल में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे, हाईकोर्ट का एक फैसला है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। और फैसले को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद किसी शरिया कोर्ट का फैसला है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मैं पहले बात में उस मुद्दे के बारे में बताऊंगी, पहले नाजी हमारे साथ जुड़ी है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नाजी, आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अंबर। नाजिया, आपने वो हाईकोर्ट का जजमेंट, वो फैसला पढ़ा होगा जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी को फॉर्मलाइज करने के लिए कपल कोर्ट गया था, कोर्ट ने इललिजिटिमेट उनकी शादी को ठहरा दिया। इस तरह का फैसला किस तरह से आप देखते हैं? हाईकोर्ट के द्वारा इस तरह के फैसले हम अक्सर देखते रहते हैं, जहां पर अक्सर शरिया लॉ प्रिवेल होता है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिवेल कर जाता है। तो इस तरह की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे भारत में पिछले 77 साल से, इवन अगर जिन्ना की शादी को उठा कर करके लेकर आया जाए तो वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट ही था, ठीक है। हमारे देश में पिछले 77 साल से हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बहुत सारे केसेस देखे हैं। यूनियन ऑफ हिंदू वुमेन, मुस्लिम मैन, एक्चुअली में होता क्या है कि जब हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट बना 1952 वाला, और सेक्शन 4 को अगर हम बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो वो हमेशा इस चीज को प्रमोट करता है कि लव, अफेक्शन, मोहब्बत, प्यार, ये धर्म, जाति, बॉर्डर, देश नहीं देखता है। और उसके बाद फिर 1952 स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसको एक रिकॉग्नाइज किया गया कि कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ आराम से शादी कर सकता है। लेकिन बात, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बहुत पॉजिटिव इस जजमेंट को देख रही हूँ मध्य प्रदेश के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी जज ने इतनी बड़ी बात लिख करके उन्होंने नजीर पेश की है, और आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने एक डोर नॉक जरूर किया है कि जब भी कोई मुसलमान लड़का जब हिंदू लड़की से शादी करता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट तो जरूर करता है, लेकिन हमारे अल कुरान के हिसाब से शादी तो दो हम कलमा में होती है। अंबर, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। अगर हम सूरह मुजम्मिल पढ़ते हैं, सूरह अल अहज़ाब का वजीफा पढ़ते हैं, सूरह अल बकरा पढ़ते हैं, कुरान का सूरह अल रम वर्सेस 21 पढ़ते हैं, और निकाह अमन तो बिल्लाह पूरा पढ़ा जाए, तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है, इसका अर्थ क्या निकलता है? हमारे देश में जितने 20 करोड़ मुसलमान की छातियां हम लोग हर रोज देखते हैं कि ठेकेदार पीटते रहते हैं, पर इस अरबी का मतलब कोई समझाना भी नहीं चाहता है और कोई बताना भी नहीं चाहता है मौलवी मुल्ला, क्योंकि सारे भेद खुल जाएंगे। हमारे अल कुरान में कई बार, कई वर्सेस में, कई आयतों में ये बात साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई है कि जो दो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह के फॉलोअर हैं, जो कलमा तैयब के फॉलोअर हैं, जो हम इस्लाम हैं, हम कलमा हैं, उन्हीं के बीच में शादी हो सकती है, गैर धर्मों के साथ शादी नहीं हो सकती है। यहाँ तक के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी किया था, तब वो यहूदी थी, पर पहले उनका कन्वर्शन हुआ और उसके बाद उनको कलमा पढ़ाया गया, हम कलमा करवाया गया, और तब सूरह निकाह में उनको निकाह के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद ने लिया। अब आती है बात, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं देना चाहती हूँ आपको। जैसे स्वरा भास्कर, शायद आप उस डिबेट पर भी थी जब स्वरा भास्कर पर बात उठी और अचानक से बात जो है वो सबूही खान पर चली गई, और सबूही खान ने पूछ लिया तो फिर मेरा बेटा क्या है, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट वैलिड ही नहीं है तो फिर मेरा बेटा क्या है। तो स्वरा भास्कर ने शादी किससे किया भाई? फहाद अहमद से किया, और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया। पर भारत का एक भी मुस्लिम समाज का ठेकेदार इस शादी को वैलिड मानने को तैयार आज भी नहीं है, आज भी नहीं।
मैं और आप दोनों नेशनल न्यूज पर बैठते हैं, कभी गाहे बगाहे इस मुद्दे को फिर उठा लेते हैं हम लोग और पूछ बैठते हैं कि ये जो स्वरा भास्कर को बेटी हुई है फहाद से, तो क्या ये बेटी वैलिड है हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से? मुझे लगता है साजिद रशीदी जैसे लोग तुरंत उछल कर कहेंगे नहीं, हम तो इसको वैलिड ही नहीं मानते, नहीं हम तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जैसे सबूही खान को उन्होंने भरे स्टूडियो में बेइज्जत करने की कोशिश की थी और वो अग्रेशन में आ गई थी। अब उसके बाद फिर आते हैं शाहरुख खान और गौरी खान पर, इन्होंने भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी की होगी, लेकिन ऋतिक रोशन सुजैन खान डिवोर्स हो गया, सैफ अली खान, अमृता सिंह, करीना कपूर, आमिर खान, सारी की सारी बीवियां हिंदू थी और फिर उनके साथ डिवोर्स हुआ। लेकिन होता क्या है कि स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4 में जब आप जाइएगा तो उसमें एक चीज साफ, बहुत बारीकी से लेकिन पढ़नी पड़ेगी, उसमें साफ चीजों साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आप जब दो अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो ना ही मुसलमान के रिचुअल्स उस वक्त किए जाएंगे और ना ही हिंदू के रिचुअल्स किए जाएंगे, बस कोर्ट जाया जाएगा, साइन किया जाएगा और वहां पर आप लोगों को जो भी मिठाइयां वगैरह खानी है खा लीजिए और उसके बाद फिर जो करना है वो जाकर के एक रिसेप्शन कर दिया जाए। लेकिन होता क्या है, जब भी मुसलमान लड़का किसी भी इंटर रिलीजन की लड़की से शादी करता है तो वो कोर्ट जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट तो कर लेता है, लेकिन बाद में वो सारे रिचुअल्स वो मुसलमानों के पूरे करवाता है, पूरे के पूरे करवाता है। अब देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी हुई थी। आप पुराने वीडियोस निकाल करके देखिएगा कि ऋतिक रोशन ने फेरा भी लिया और उसके बाद फिर निकाह भी हुआ था। जो स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4 और स्पेशल मैरिज एक्ट की अंडर 1952 को मतलब आघात पहुंचा रहा है, बियॉन्ड द लॉ जा रहा है, क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है कि दोनों धर्मों के फिर रिचुअल्स नहीं होंगे। आप अगर कोर्ट को हाजिर नाजिर करके, आप अगर कोर्ट को अपना गार्जियन बना करके आप स्पेशल मैरिज एक्ट में एंटर कर रहे हैं तो आपको यही शादी को मान देना पड़ेगा, इसी शादी को आपको वैल्यू देना पड़ेगा। इसके बाद फिर किसी भी धर्म का कोई भी रिचुअल या कोई भी तफरी या किसी भी तरीके का कोई भी मंत्र या किसी भी तरीके की कोई भी आयत नहीं पढ़ने दी जाएगी। लेकिन इसको हर बार बहुत कभी फिल्म के सितारों ने और मुसलमानों ने इसका उल्लंघन किया है, हर हाल में किया है और कई हजारों लाखों बार किया, और पिछले 77 साल की अगर डेटा को निकाला जाए तो करोड़ों बार हुआ है, करोड़ों बार हुआ। अभी हालिया में हमने देखा था कि एक मुसलमान लड़की जो नॉन प्रैक्टिस इस्लाम की है वो चले गई थी सक्सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और उसने कहा कि मैं प्रैक्टिस इस्लाम नहीं करती हूँ पर मैं मुसलमान हूँ, मेरे फादर भी प्रैक्टिस नहीं करते पर फिर भी मैं मुसलमान हूँ, तो माँ बाप के जायदाद का हिस्सा मुझे 1/4 मिल रहा है और मेरे भाई को मतलब ज्यादा मिल रहा है, तो मुझे एज पर द सक्सेशन एक्ट मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत चीजें जो है वो गलत होती भी नजर आ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह भारत की ये जो मुस्लिम बेटियां हैं खासकर अंबर जैदी और नाजी अली खान जी, इनका डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।